फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारा बच्चों के लिए इनर, आप इसे वार्मर भी कह सकते हैं। ये मैंने 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आगे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने इनर का एक पार्ट तैयार कर लिया है। इस इनर के दोनों पार्ट, अगला और पिछला, सेम बनाए जाएंगे। तो जैसे ही ये मैंने एक पार्ट तैयार किया है, वैसे ही मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी कि इसका दूसरा पार्ट कैसे तैयार करना है। इस इनर के लिए मैंने 52 फंदे लिए हैं, 2 फंदे किनारी के लिए और 50 फंदे इनर के लिए। तो पहले हम ये इनर का ये बॉर्डर तैयार करेंगे उल्टी उल्टी सिलाइयों का। ये मैंने 8 सिलाइयाँ डाली हैं। तो हम 8 सिलाइयाँ पहले उल्टी डालेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये एक सिलाई हमने पहले ही सारी उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब ऐसे ही दूसरी सिलाई भी, पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुनें। ऐसे ही हमने ये पहली 8 सिलाइयाँ बुननी है। सारी 8 की 8 सिलाइयाँ उल्टी बुनकर हमने बॉर्डर तैयार करना है। तो अब ये मैं पहले 8 सिलाइयों को बॉर्डर तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, ऐसे ये 4 रोज़ बन जाएंगी। ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, इन्हीं फंदों को लेकर हमने आगे बुनना है। आगे मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला है जो कि बहुत ही इजी है। 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे डालना है। डिज़ाइन की पहली सिलाई, पहला फंदा उतारें, सारे फंदे सीधे बुनें। पहली 4 सिलाइयाँ इसकी सिंपल ही सीधी और उल्टी बुनी जाएंगी। ये हमने पहली सिलाई सीधी कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बुनें। तीसरी सिलाई पहली की तरह ही, पहला फंदा उतारें और सारे फंदे सीधे बुनें। इस डिज़ाइन में उल्टी तरफ की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बुनी जाएंगी। तो हम सारी उल्टी तरफ की सिलाइयों को उल्टी बुनेंगे। अब 5 नंबर सिलाई में, पहला फंदा उतारें, 3 फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुनें। ऐसे बुनते हुए हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है।
तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। अब ये लास्ट में है, हमारे पास तीन फंदे रह गए हैं, तो हम ये तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। उल्टी तरफ की सिलाई सारी उल्टी, जैसे हमने 5 नंबर सिलाई बनाई है सेम ऐसे ही हमने 7 और 9 नंबर सिलाई बनानी है। 7 नंबर सिलाई में भी 3 सीधे 3 उल्टे बुनने हैं और 9 नंबर सिलाई में भी। तो मैं ये आगे की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे मैंने 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। इन्हीं 10 सिलाइयों को हमने आगे रिपीट करना है, बस आगे की 10 सिलाइयों में हमने ये इस डिज़ाइन की जगह बदल देनी है। जैसे हमने पहले 3 फंदे सीधे बुने हैं, अगली 10 सिलाइयों में 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ऐसे, ये पहली 10 सिलाइयों में इतना डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो इसमें हमने पहले 3 फंदे सीधे बुने, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे। तो नेक्स्ट की 10 सिलाइयों में हम पहले तो 4 सिलाइयाँ ऐसे ही एक सीधे एक उल्टे की बना लेंगे। तो आगे की जो 10 सिलाइयाँ होंगी उसमें पहले हम 3 सीधे फंदों की जगह 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, फिर 3 सीधे। इस डिज़ाइन को इंटरचेंज कर देना है। उल्टे फंदों के ऊपर हमने सीधे फंदे बुनने हैं और सीधे फंदों के ऊपर हमने उल्टे फंदे बुनने हैं। ऐसे ही बुनते हुए हमने ये 44 सिलाइयों तक इसको इतना बुन लेना है। तो पहले मैं इस इनर को 44 सिलाइयों तक कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको आगे इसकी कटिंग बताऊंगी। देखिए मैंने बॉर्डर से ऊपर 44 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने इसकी ये कटिंग करनी है। तो देखिए कैसे करना है। पहले 2 फंदों को ऐसे उतार कर 2 का 1 बनाएं। ये 2 फंदों का 1 बनाने के बाद 11 फंदे सीधे बुने। ये 11 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने ये 2 फंदों को ऐसे पलटना है, पलट कर 2 का पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाना है। 2 का 1 बनाने के बाद हमने लास्ट के 15 फंदे छोड़कर बाकी सभी फंदों को सीधे बुन लेना है। ये यहाँ तक हमने सारी सिलाई सीधी बुन ली है। अब ये हमारे पास 15 फंदे बचे हैं, इनमें से पहले हमने ये 2 फंदों का 1 बना लेना है। ये 2 का 1 बनाने के बाद आगे 11 फंदे सीधे बुने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 फंदे सीधे बुनने के बाद ये 2 फंदों का हमने 1 बना लेना है। तो ऐसे इस सिलाई में हमने एक फंदा इधर शुरू में घटा दिया और एक फंदा लास्ट में, और 11 11 फंदे छोड़कर बीच में भी ऐसे ही हमने एक एक फंदा घटा दिया। अब उल्टे हाथ की सिलाई, पहला फंदा उतारें, धागा पीछे और सभी फंदों को सीधा बुनें। उल्टे हाथ की सिलाई हमने उल्टी तरफ से सारी सीधी बुननी है।
ये ऐसे हमने दो सिलाइयाँ बुननी हैं। इसके बाद हमने फिर अगली सिलाई में पहला फंदा उतारना है। धागा पीछे पहले की तरह 11 फंदे सीधे बुनने हैं। ये 11 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने फिर पहले की तरह ही ये दो फंदों को उतारना है और उतारकर दो का एक बना लेना है। इसके बाद फिर पहले की तरह ही लास्ट के 12 फंदे छोड़कर जहां हमने पिछली सिलाई में दो का एक बनाया था वहीं हमने दोबारा फिर दो का एक बनाना है। तो हम ये 12 फंदे तो हमने अपने छोड़ने हैं और ये दो फंदे जिनका एक बनाना है, ये 14 फंदे छोड़कर हम बाकी के सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारे पास 14 फंदे रह गए हैं। इन 14 फंदों में से ये दो फंदों का हम एक बना लेंगे और बाकी के 12 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके आगे हमने 7 सिलाइयाँ और बुननी हैं और उन्हें इसी पैटर्न से बुनना है। पहले हमने एक फंदा उतारना है, 11 फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद दो फंदों को उतारकर दो का एक बनाना है। उसके बाद लास्ट के 14 फंदे छोड़कर बाकी बीच के सभी फंदों को सीधे बुनना है। फिर लास्ट के 14 फंदों में से दो का एक बनाना है और आखिर के 12 फंदे ऐसे ही बुनने हैं। इस तरह बुनते हुए हमने ये ऐसे 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ऐसे ये हमारी 5 लाइनें बन जाएंगी। 5 लाइनें मतलब 10 सिलाइयाँ। इन 5ों सिलाइयों में हमने ये जो दिख रहा है फंदों की घटाई करनी है। दोनों तरफ से एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से। बाकी फंदों को एज इट इज बुनते रहना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं। बस ये बीच में दोनों साइड एक एक फंदे की कटिंग होती जाएगी। तो मैं ये 10 सिलाइयाँ तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमारे पास 40 फंदे बचे हैं। 52 फंदों से हमने ये शुरू किया था और यहाँ हमने पहली सिलाई में दो साइडों में और दो बीच में 4 फंदे घटा दिए थे और उसके बाद हर एक सिलाई में हमने दो दो फंदे घटाए हैं। तो ये हमारे 12 फंदे कम हो गए हैं। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग के लिए हम दोनों तरफ 12 12 फंदे छोड़ देंगे और बीच के 16 फंदों की कटाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 11 फंदे सीधे बुने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे यहाँ 12 फंदे कंप्लीट हो गए। अब 12 फंदे के बाद धागा आगे। अब हम पिछले 12 फंदों को छोड़कर बाकी के बीच वाले 16 फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं। फिर ये हमने जो एक फंदा बनाया है इसे दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और फिर दो फंदों का एक बनाएं। फिर इस फंदे को सिलाई पर लेकर जाएं, दो फंदों का एक बनाएं। ऐसे हमने एक एक करके ये सभी 16 फंदों को बंद कर देना है।
ऐसे हमारे 12 फंदे पीछे रह गए। तो 12 में से ये फंदा तो हमने बुना ही हुआ है, अब धागा पीछे, बाकी के 11 फंदों को सीधा बुने। अब हमने ये दो हिस्सों को अलग अलग बुनना है, तो इन्हें अलग अलग बुनने के लिए ये उल्टे हाथ की सिलाई की तरफ पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 11 फंदे सीधे बुने। ऐसे बुनते हुए हमने ये 5 लाइनें तो हमारी पहली गले की बनी हुई हैं, उसके बाद हमने ये 10 लाइनें बनानी हैं। 10 लाइनें मतलब 20 सलाइयाँ। तो हमने ये एक तरफ से पहले 20 सलाइयाँ बुननी हैं और फिर दूसरी तरफ से भी, और ऐसे तैयार करना है। तो पहले मैं ये एक तरफ की 10 सलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको बताऊंगी कि दूसरी तरफ की सिलाइयाँ कैसे बुननी है। ये मैंने 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और ये ऐसी 10 लाइनें हमारे पास आ जाएंगी, 5 लाइनें गले की और 10 लाइनें मुड्ढे की, तो ये टोटल हमारे पास 15 लाइनें आ जाएंगी। तो ऐसे ही हमने अब ये दूसरी तरफ के मुड्ढे को बुनना है। ये इधर मैंने बुनकर ये धागे को काट दिया है, तो अब हम दूसरी तरफ धागे को जोड़ेंगे। धागे को जोड़ने के लिए हम ये जो फंदे हमने जहाँ से घटाने शुरू किए थे वहाँ धागे को जोड़ेंगे। इसे धागे को निकाल कर यहाँ हम गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। बुनने के लिए पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, 11 फंदे सीधे बुने। अब सीधी तरफ से पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, बाकी के 11 फंदे सीधे बुने। अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयां बनाई हैं ऐसे ही हमने आगे 18 सिलाइयाँ और बनानी है, मतलब कि हमने टोटल 20 सिलाइयाँ बनानी है। इस तरफ के जैसे ही हमने यहाँ ये 10 लाइनें बनानी है। ये हमारी एक लाइन तैयार हो गई है, 5 लाइनें ये गले की हैं और एक मुड्ढे की तैयार हो गई है। ऐसे ही हमने आगे 9 लाइनें और बनानी है, तो मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये हमारी दोनों तरफ की 20-20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये हमारे दोनों पार्ट बराबर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके मुड्ढों को जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ना है। ये एक बॉडी पार्ट का सीधा हिस्सा है और दूसरे बॉडी पार्ट का हमने उल्टा हिस्सा लेना है। तो पहले हम ये फंदे किसी और सिलाई पर उतार लेंगे।
ये हमने फंदों को दूसरी सिलाई पर उतार लिया। ये एक बॉडी पार्ट का सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट, तो हमने इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए, एक फंदा हम एक सिलाई से लेंगे और दूसरा दूसरी सिलाई से। ये दोनों फंदे लेकर हम दो का एक बनाएंगे और दोनों फंदों को सिलाई से उतार देंगे। ऐसे ही हम आगे एक फंदा पिछली सिलाई से और एक अगली सिलाई से, ये दो फंदे लेंगे, उन दो फंदों का एक बनाएंगे और फंदों को उतार देंगे। अब हम ये पिछला फंदा आगे के फंदे के ऊपर से उतार देंगे, तो ऐसे ही हमारा एक फंदा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, दोनों का एक बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर वैसे ही दोनों फंदे लेंगे, दो का एक बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ऐसे हमने बारी बारी करते हुए ये सभी फंदे बंद कर लेने हैं। ऐसे हमारे सभी फंदे बंद हो गए और अब जो ये लास्ट वाला फंदा है, ये इसमें से हम ये धागे को ऐसे निकालेंगे और खींच कर इसे भी बंद कर देंगे। इसे बंद करने के बाद हम ये जो धागा हमारा पहले मुट्ठे के साथ है, दोनों में गांठ लगा देंगे। और गांठ लगाने के बाद हम इसे थोड़ी लेंथ में छोड़कर काट लेंगे। ये एक मुड्ढा हमारा बंद हो गया है, ऐसे ही हम ये दूसरी साइड के मुड्ढे को भी बंद करेंगे। जैसे एक साइड का मुड्ढा बंद किया है, सेम वैसे ही दूसरी साइड का मुड्ढा भी बंद करेंगे। हमारे दोनों तरफ के मुड्ढे जुड़ गए हैं। अब हम इसे ये पल्लों की सिलाई करेंगे। जहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की थी वो छोड़कर नीचे के हिस्से की हम सिलाई कर देंगे। ये हमारी आर्म होल रह जाएगी और इसकी सिलाई कर देंगे। ये धागे को हम ऐसे सुई में डालेंगे और ऐसे ये पहले हम स्टार्टिंग में यहाँ अच्छे से इसे बंद कर देंगे। ये अच्छे से बंद करने के बाद ये जो धागे हैं इनको हम सिलाई में ही ले लेंगे।
अब हमने ये एक फंदा ऐसे, ये जो हमारी किनारी बनी हुई है दोनों तरफ, इस किनारी के साथ साथ ही सिलाई करनी है। अच्छे से धागे को खींचकर सिलाई करनी है, तो ऐसे ये हमारी सिलाई हो जाएगी। पहले मैं यहाँ तक एक तरफ की सिलाई कर लेती हूँ और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ की, और फिर आपको दिखाती हूँ। और ऐसे ये हमारा इनर तैयार हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।